देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं अभी बिहार म्यूजियम के पास। बिहार संग्रहालय जैसा कि जानते हैं काफ़ी सुंदर बना है। मुख्यमंत्री ने आज यहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इन्वायरमेंट सेक्रेटरी देश के जो मिनिस्ट्री के हैं वो भी आए हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है और मुख्यमंत्री जी क्या बातें रखते हैं पर्यावरण को लेकर। से ग्राम पंचायत में हमने देखा, एक छोटा सा कस्बा, तो हमने फिर कहा भाई कि इस काम को अन्य जगहों पर और कैसे फैलाइए। इसको देख रहे हैं हम लोग, हर प्रकार से कर रहे हैं। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तो सब जगह काम ही हो रहा है भाई। गंगा नदी में नाली के पानी को या किसी भी नदी में नाले के पानी को नहीं जाने देना चाहिए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से उसका कम से कम ठीक करना चाहिए। और हम तो बिहार में अब ये कोशिश कर रहे हैं इवन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद का जो पानी है उसको सीधे नदी में नहीं भेजना, उसका इस्तेमाल कर ले हम लोग। उसका इस्तेमाल हम इरिगेशन पर्पस के लिए कर सकते हैं, वो और उपयोगी हो जाएगा। तो इस पर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके पटना टाउन में, सिटी में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका पानी फिर यहाँ लोग पुनपुन नदी में डालते हैं और 20-25 किलोमीटर के आगे जाकर पुनपुन नदी गंगा नदी में मिलती है, तो उसकी स्थिति खराब होती चली जाएगी। और क्या गंगा नदी की स्थिति थी पहले, देश भर का सोच लीजिए हाल। हम लोग बचपन में गंगा नदी में नहाते थे, उसके किनारे ही जन्म हुआ है और वहां से बड़ा शौक से छोटा बाल्टी में पानी लेकर के चले आते थे और कितना खुश रहते थे कि आज गंगा नदी का पानी पीने का। अब जरा बताइए तो वो गंगा नदी का पानी पीने की स्थिति में बिहार की तो आबादी समझ लीजिए कि देश की आबादी का जो एक स्क्वायर किलोमीटर पर जितनी आबादी है देश का औसत, उससे तीन गुना हमारे बिहार में। तो एक तरह से तो हम लोग कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बात आए। सबसे बड़ी चीज है कॉन्शसनेस। नियम तो और कानून तो हम लोग बना देते हैं और नियम और ये कानून और नियम बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस, कॉन्शसनेस। जब तक लोग किसी बात को लेकर के उनको जानकारी नहीं, अवेयर नहीं हो और उनमें जागरूकता नहीं होगी, कॉन्शस नहीं होंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। कानून बन जाने से भी पूरे तौर पर उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। इसी में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े हुए देश भर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। यह भी काम आप बैठ करके करेंगे और इसके भी जो नतीजे होंगे उसको और कैसे बिहार में भी अच्छे ढंग से हम लोग क्रियान्वित करें, इस बात को देख लें। और आप लोग जरूर जगह जगह भी जाइएगा, यहाँ तो बिहार म्यूजियम आपको घुमाया जाएगा, बढ़िया से दिखला दिया जाएगा। इधर देख लीजिए आप जहाँ बैठे हुए हैं, ये पहला, इस देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम, फर्स्ट इंटरनेशनल। वाओ, आप जरा इसको देख जरूर लीजिए हर एंगल से। और उसके अलावा जो हमने चर्चा की, अगर बोध गया जाते तो बोध गया में भी हम लोगों ने 65 एकड़ में बुद्ध वाटिका का निर्माण करवाया और उसमें आर्टिजन वेल भी है। तो इस तरह से जो बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में उसको किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में वृक्षारोपण, और जो भी वृक्षारोपण हुआ है मैक्सिमम वृक्षारोपण स्टूडेंट्स के द्वारा हुआ है, छात्र छात्राओं के द्वारा हुआ है, बड़ी संख्या में हुआ, देखने लायक। और वो जो देखिएगा उस जगह जो है, और वो बिल्कुल जो NH2 है उसके ठीक बगल में है और वो जगह भी देखने लायक है मेरी समझ से। तो निश्चित रूप से भगवान बुद्ध का ज्ञान अगर बोध गया में हुआ है तो जो भी उस सारनाथ गए होंगे तो वही रूट रहा होगा जरूर उनका आने और जाने का। बहुत अच्छी जगह, एकदम नीचे बिल्कुल जो हमने इस बात की चर्चा की बायोडायवर्सिटी पार्क जो है आर्टिजन वेल नुमा वहां पर जो नदी है, ये सब होगा। तो सब चीज देखने लायक है, उसको भी देखिएगा, बहुत चीज देखने लायक है वे भी देखिएगा। और राजगीर की जो बात हमने की, एक कटोरा और देखिएगा कैसे हम लोग इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। वहां घोड़ा कटोरा देखिएगा, कोई आदमी या तो पैदल जाता है या वो कोई डीजल चालित या पेट्रोल चालित कोई चीज गाड़ी नहीं चलती है, कहीं भी नहीं कोई जा पाता है, वो सब या तो पैदल जाएगा या टमटम पर जाता है या इसके लिए बना हुआ है जो आपको जाने के लिए। तो उस
पर लोग जाते हैं तो भी देखने लायक चीज है, चारों तरफ जो पहाड़ उसके चारों तरफ दिखेगा तो वो चीज देखने लायक है। अन्य कई चीजों को देख सकते हैं और वहां पर हम लोग जू सफारी का निर्माण कर रहे हैं। और जू सफारी जो बन रहा है उसके बगल में हमने कहा था कि भाई नेचर सफारी भी बनवाई, तो कई चीजों को देखिएगा आप, काम चल रहा है, नेचुरल वे में हो रहा है। और हम तो आग्रह करेंगे, देखिए भाई एक बार आज आ गए हैं ना तो 3-4 साल के बाद बिहार कुछ और देखने लायक रहेगा, तो हम आपसे आग्रह करेंगे इस बार भी आ रहे हैं लेकिन 3-4 साल के बाद एक बार और आइएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के एक सम्मेलन और करिए। नियंत्रण करेंगे हम लोग, जल और हरियाली की रक्षा करेंगे, पर्यावरण को संतुलित बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद। जी हाँ, मुख्यमंत्री जी ने आज जैसा बताया कि उनके आधे घंटे के भाषण में, लगभग 35 मिनट के भाषण में कई बातें निकल कर आई, उसमें मानव श्रृंखला की भी बातें आई, बिहार के जनगणना से लेकर तमाम ऐसी बिहार की बुनियादी बातें जो बिहार को आगे ले जाने वाली थी। उन्होंने कहा कि 3-4 साल बाद और बिहार आएंगे तो बिहार और सुंदर लगेगा और बेहतर लगेगा। इन्हीं सब कुछ बातों के साथ झकास भारत से मैं बने रहूंगा रविकांत के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।